नमस्कार एबी क्लासेस के इस नए एपिसोड में मैं अंकित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे थ्री फेज सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने जाना था थ्री फेज पावर मेजरमेंट के कुछ मेथड्स। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आप वो वीडियो पहले देख लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो में ज़्यादातर क्वेश्चंस उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड हैं, तो आप अगर पहले वो वीडियो देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो भी देख रहे हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से है कि अगर हमारे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम थ्री फेज सिस्टम में फेज सीक्वेंस कैसे पता लगाएंगे। इसकी एप्लीकेशन पे कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। कैसे पूछे जा चुके हैं? आपको फेज सीक्वेंस दिया होगा, हर फेज में लाइट लगा दी होगी या कोई लैंप या कुछ भी लगा दिया होगा, फिर आपसे बोला जाएगा कि इसमें ये लाइट ब्राइट ग्लो करेगी या डिम ग्लो करेगी। ठीक है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि फेज सीक्वेंस का कैसे पता लगाते हैं। देखिए, अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, मान लीजिए तीन फेज है, तो हम क्या करेंगे, एक फेज दो फेज में तो लैंप लगा देंगे, और एक फेज में लगा देंगे कैपेसिटर। ठीक है, और फिर ये स्टार कनेक्टेड सिस्टम होगा हमारा। अब हम देखेंगे कि कौन सी लैंप ब्राइटर ग्लो कर रही है। मान लीजिए ये लैंप ब्राइटर ग्लो करती है और ये लैंप थोड़ा उससे डिम ग्लो करती है, तो फेज सीक्वेंस हमारा ये होगा आर वाई बी। ठीक है, फेज सीक्वेंस आपको इससे समझ ऐसे आएगा, देखो ऐसे ये सीक्वेंस होगा हमारा ब्राइटर लैंप, नेक्स्ट डिम लैंप और फिर कैपेसिटर। इसी सीक्वेंस में हमारा फेज सीक्वेंस होगा। मान लीजिए ये इस तरह से होता, ठीक है, अगर ऐसे होता तो हमारा फेज सीक्वेंस वाई आर बी होता। वाई आर बी कभी होता नहीं है, या तो आर वाई बी होता है या आर बी वाई होता है। ये तो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता दिया कि यहाँ पे जो भी होगा, मान लो यहाँ पे R लिखा है, यहाँ पे B लिखा है और यहाँ पे Y लिखा है, तो फेज सीक्वेंस क्या होगा, पहले ब्राइट लैंप फिर डिम लैंप फिर कैपेसिटर, मतलब R B Y। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, SSC JEE में पूछा गया था शायद, कि आपको फेज सीक्वेंस दिया हुआ था और उसके बाद ये लैंप लगा रखी थी, उसके बाद पूछा था कौन सी लैंप ब्राइट ग्लो करेगी। तो आई होप अगर आपने ये सीख लिया तो आप बता पाएंगे। अगर फेज सीक्वेंस दिया है तो जो सबसे पहले नंबर पे आ रहा है वो ब्राइट लैंप होगी, सेकंड वाला डिम लैंप, थर्ड वाला कैपेसिटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री फेज सिस्टम से ये पूछा जाता है कि अगर किसी ऑल्टरनेटर या जनरेटर का डेल्टा वाइंडिंग्स हैं, उसमें से एक फेज की वाइंडिंग को रिवर्स कर दिया जाए तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए ये हमारा थ्री फेज सिस्टम है और ये डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे करंट का फ्लो इस तरह से होता है, यहाँ जो करंट आता है वो इन दोनों का डिफरेंस आता है। ठीक है, अब मान लीजिए हमने इस वाइंडिंग को रिवर्स कर दिया, इस वाइंडिंग को रिवर्स कर देंगे तो जो मैस में वोल्टेज है वो जीरो नहीं रहेगा फिर। ठीक है, फिर वो इंक्रीज़ हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कैसे, देखिए, ये इस सीक्वेंस को हम रिवर्स कर देंगे तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, फिर यहाँ पे जो करंट आएगा वो डिफरेंस से नहीं आएगा, वो एडिशन हो गया आएगा, ऐड हो के आएगा। ठीक है, तो करंट हमारा बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा अगर कोई लोड नहीं लगा है तब भी। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई लोड नहीं है तो कोई करंट नहीं होता है, करंट तो लोड में जाता है, लेकिन अगर हमने फेज सीक्वेंस को चेंज किया एक किसी वाइंडिंग के, तो यहाँ पे करंट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा वोल्टेज डबल होने की वजह से, और वाइंडिंग्स हमारी बर्न आउट हो सकती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, कि इन द टू वोल्टमीटर मेथड ऑफ पावर मेजरमेंट,
द लोड इज रेजिस्टिव एंड द रीडिंग्स ऑफ द टू वोट मीटर्स आर W1 एंड W2। टू वोट मीटर मेथड है पावर मेजरमेंट का, रेजिस्टिव लोड हमारा लगा है और दो वोट मीटर्स में जो रीडिंग है वो क्या है, एक की W1 एक की W2। तो अगर आपने मेरी पावर फैक्टर की वीडियो को देखा है या फिर इससे पहले की टू वोट मीटर मेथड की वीडियो को देखा है तो इस क्वेश्चन को आप देखते ही लगा देंगे। ठीक, अब देखो रेजिस्टिव लोड है, रेजिस्टिव लोड का क्या मतलब होता है, वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में होते हैं। सेम फेज का क्या मतलब है, फाई जीरो होता है, फाई जीरो होता है तो पावर फैक्टर यूनिटी होता है। और मैंने कल एक टेबल बनवाई थी मैं लास्ट वीडियो में, अगर पावर फैक्टर यूनिटी है तो W1 विल बी इक्वल टू W2। ठीक है, तो आई होप अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो ये क्वेश्चन आपने देखते ही अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से है कि हमें फेज सीक्वेंस दिया है RYB, ये हमारा सर्किट डायग्राम है, इसमें दो वोल्ट मीटर लगा के दिए हैं RYB, ये फेज सीक्वेंस है और पावर फैक्टर है लैगिंग। ठीक है, उसके बाद हमें बताना है ये जो वोल्ट मीटर टू है, वोल्ट मीटर टू इसकी रीडिंग क्या होगी, इनमें से ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। तो देखिए, अगर हमने अभी जाना था कि अगर हमें फेज सीक्वेंस पता है तो हम हायर रीडिंग वोल्ट मीटर पता कर सकते हैं। हमने अभी बताया था कि वो लैंप ब्राइटर ग्लो करती है, अगर फेज सीक्वेंस पता होता है तो पहली वाली लैंप ब्राइटर, फिर डिम, फिर वो कैपेसिटर, वो कॉन्सेप्ट बताया था। अब हम देखेंगे इनमें से कौन सा वोल्ट मीटर हायर ग्लो करेगा और हायर ग्लो नहीं करेगा, हायर रीडिंग देगा, और इसमें से हायर रीडिंग वाली वैल्यू कौन सी होती है। तो देखो, अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊं तो RYB फेज सीक्वेंस है, तो अगर ये R है, ये Y है, तो ये होगा B। यहां से हम देख सकते हैं आसानी से कि जो B है वो 120 डिग्री आगे है R से, तो ये हम क्लियरली कह सकते हैं कि वॉट मीटर 2 हायर रीडिंग वॉट मीटर होगा। अब हमें ये पता लगाना है कि इसमें से हायर रीडिंग वोल्ट मीटर की वैल्यू कौन सी होती है। देखो, ये दोनों तो वैल्यूज़ नहीं होती हैं, √3 VLIL वाली तो वैल्यू नहीं थी, हमने लास्ट वीडियो में जाना था। वैल्यूज़ इन दोनों में से होती है, ये W1 W2 कल आई थी वैल्यूज़। अब देखो, यहाँ जो वैल्यू है cos 30+5, ध्यान से सुनना, cos 30+5, अगर इसमें एंगल 60 या 60 से अबव हो जाए तो ये एंगल 90 या 90 से अबव हो जाता है टोटल। अगर पावर फैक्टर एंगल फाई 60 या 60 से अबव हो जाए तो टोटल एंगल ये 90 से अबव हो जाता है, मतलब 90 से अबव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू होती है नेगेटिव, तो ये जो वैल्यू है हमारी नेगेटिव आ जाती है, और ऐसा इस केस में नहीं होता है। तो हायर रीडिंग वोट मीटर हमारा हमेशा ये होता है। ठीक है, तो आंसर इसका कैसे आया, हमने पता लगाया फेज सीक्वेंस से कि कौन सी वोट मीटर की रीडिंग हाई होगी और वोट मीटर W2 की रीडिंग हाई होगी, तो वो हाई रीडिंग इनमें से किसकी होती है, वो होती है cos 30-5 वाई वैल्यू की। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये भी दिया हो सकता था कि पावर फैक्टर जीरो है। अगर पावर फैक्टर जीरो है तो कल मैंने बताया था W1 और W2 इक्वल एंड अपोजिट रीडिंग्स देंगे। अगर पावर फैक्टर यूनिटी है तो W1 एंड W2 इक्वल एंड पॉजिटिव रीडिंग्स देंगे। ठीक है, और अगर पावर फैक्टर 0.5 था तो कल क्या आया था, एक रीडिंग जीरो आई थी। ठीक है, तो वो सब आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, ये क्वेश्चन मैंने DMRC के एग्ज़ाम से लिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कई सारे कॉन्सेप्ट शायद क्लियर हो जाएंगे। देखिए, 3-phase 3-wire बैलेंस्ड सिस्टम है, बैलेंस्ड, और जो रीडिंग है एक वोल्ट मीटर की रीडिंग दूसरे वोल्ट मीटर से डबल है। द रीडिंग ऑफ वन वोल्ट मीटर वॉज फाउंड टू बी डबल देन डेट ऑफ द अदर, वॉट इज़ द पावर फैक्टर, हमें पावर फैक्टर बताना है। तो देखिए, हमने कल इससे लास्ट वीडियो में जाना था कि tan phi क्या होता है, √3 W1 - W2 / W1 + W2। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद होगा। अब हमें ये पता है कि एक वाट मीटर की रीडिंग दूसरे वाट मीटर से डबल है, हम क्या करते हैं,
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डब्ल्यू टू से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। डब्ल्यू टू से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे रूट थ्री रहेगा, और एक वोट मीटर की रीडिंग दूसरे से डबल है तो W1 वन बाई डब्ल्यू टू का क्या मतलब है, 2/1, ठीक है। तो इसकी जगह हम 2 रखेंगे, यहाँ भी 2 रखेंगे, तो क्या आएगा, ठीक है, 2 - 1 1 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, और रूट थ्री से 3 को अगर हम काटेंगे तो 1/√3 आएगा। अब tan phi की वैल्यू 1/√3 मीन्स phi की वैल्यू आई 30 degrees, और पावर फैक्टर क्या होता है, cos phi, तो cos 30 आएगा √3/2, ठीक है, इज इक्वल टू 0.866। तो ये हमारा आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को पीछे करके देख लें, क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन अभी तक समझ आ रहे हैं। हमने क्या जाना, अगर हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम फेज सीक्वेंस पता कर सकते हैं। फेज सीक्वेंस कैसे पता कर सकते हैं, हम 2 लैंप लगाएंगे और एक कैपेसिटर लगाएंगे, और जो लैंप ब्राइटर ग्लो करेगी वो पहला फेज, फिर डिम लैंप वाला फेज, फिर कैपेसिटर, वही हमारा फेज सीक्वेंस होगा। अगर हमें रिवर्स में दिया है, हमें फेज सीक्वेंस दिया है और हमसे ये पूछा जाए कि कौन सी लैंप डिम ग्लो करेगी, तो भी हम जो सेकंड वाला फेज होगा वो वाली लैंप बता देंगे। उसके बाद हमने जाना वॉट मीटर से रिलेटेड कुछ बातें, जैसे अगर यूनिटी पावर फैक्टर है तो दोनों वॉट मीटर में सेम रीडिंग आएगी, अगर पावर फैक्टर 0.5 है तो एक वॉट मीटर में रीडिंग 0 आएगी, अगर पावर फैक्टर 0 है तो वॉट मीटर एक में नेगेटिव आएगी, एक में पॉजिटिव आएगी। तो ये सब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आज भी बताने की कोशिश की है, ये सब बातें आप ध्यान रखें। क्वेश्चन वॉट मीटर से पूछा जाएगा तो इन्हीं बातों से पूछा जाएगा। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और आप सिर्फ एक लाइक करने में भी कंजूसी करते हैं, तो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करें। बस इतना ही, करते रहिए, और कुछ नहीं चाहिए आपसे, और पढ़ते रहिए। इस वीडियो को मैं आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।